नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सजौन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज ब्लॉग के तीसरे पार्ट में आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत, ढेर सारा हार्दिक अभिनंदन। और आप जिस प्रकार आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में जैसे आपने प्यार दिया था, अपना एक प्यार दिया था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके कुछ प्रतिक्रियाएँ दी, बहुत लोगों ने कहा कि आप गढ़वाली के साथ साथ हिंदी भी बोलो। मैं खुद कन्फ्यूज़न में हूँ, आप गढ़वाली बोलूँ या हिंदी में बोलूँ, बट सही है मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती है गढ़वाली, और उन लोगों के लिए और कुछ लोग जो लोग गढ़वाली सुनना अच्छा पसंद आता है जिन्हें, उनके लिए भी गढ़वाली यूज़ करूँगा। और बहुत टाइम से यानी कि कल दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, और उस चक्कर में अब थोड़ा मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है, पीछे कोहरा लगा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो चुका है। और अगर मैं बताऊं गांव घरों की, अगर मैं बात बताता हूं, ये तो मैं गढ़वाली में कहूंगा, गांव घर में लोग सबसे पहले तो परेशान हो गए, सबसे पहले परेशान करना हो गए कि सुबह बूटी शाम तक बरखा चलेगी, बिचम थोड़ा सा घाम छोड़ ब्यादी भी और आज भी लगातार इन मौसम ख़राब हुई चा, यहाँ का चक्कर में लोग परेशान छन हुए। बोल लोग पहचानदान कि अब थोड़ा घाम में जाओ, पहले थे बोलना कि बरखा चेंदी द्योर नेत्रा बरखा करे ली, दवा बरखा करे ली, अब लोग परेशान हो गए ना, पहचानदान की धूप आओ। और शायद जहाँ तक मौसम लग रहा है कल अच्छी सी एक धूप खिलने वाली है और हमारी फसलों को भी थोड़ा सा बारिश चाहिए थी, सही है उनके लिए भी अच्छा हो गया। और दोस्तों आप सभी लोग जिस प्रकार प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, थैंक यू सो मच आपका, आप लोग ऐसे ही प्यार दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपके लिए अलग अलग मुद्दों पे वीडियोस लाऊंगा, अलग अलग कभी कभार हमारा जो एक फ़नी स्पेशल होगा उस पे वीडियो लाऊंगा, हम मैं कुछ ना कुछ मुद्दों पे ज़रूर वीडियो लाऊंगा और आप लोगों का मनोरंजन कर सकूँ कुछ बेहतर, बस यही काम करता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए। और कुछ क्लिप्स परसों जिस दिन बारिश आई थी उस दिन की कुछ क्लिप्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा, और किस प्रकार हमारे जो नदी नाले थे कितने खतरनाक मतलब बहाव में थे वो चीज़ दिखाऊंगा। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, आज थोड़ा बहुत आपको ये दिखाता हूँ मैं किस प्रकार यहाँ का मौसम हो रखा है। देखो कितने प्यारे हरे भरे हो रखे हैं खेत, बारिश के बाद इतना प्यारा मौसम बन गया है, अब कल बहुत प्यारी धूप खिलने वाली है लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, जो लोग दिल्ली में होंगे शायद वो बहुत मिस कर रहे होंगे पहाड़ों में। इस टाइम तो मतलब गांव घरों का मौसम बहुत सॉलिड हो रखा है एकदम। मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस प्रकार यहाँ पे खेतों के नज़ारा, जो हमारे गांव के सार होते ना सार, मैं दिखाऊँगा आप लोगों से। घना गोर बर का चलेगी कुरेड़ो तो नहीं लगी, पर मैं दिखूं आप लोगों का कतरा भयंकर बर का सोना का मैना बैगन करेना कुरेड़ी लोटानी अंधेरी रात बर का कुछ मनाटा खुद तेरी लगानी सोना का मैना। अजय प्रधान जी तुम्हारा कुर्ता गिल्लो है बेचारे, कुर्ता भाई गिल्लो। ज़्यादा बारिश हो गई है और हमारा गाँव गार्ड इतना भयंकर वामान टकोला से था मानी जो दिखाई देगा कितना भयंकर छोड़ो आयु पाली मध्य पीढ़ी पाली गाँव छोड़ो आयु